सुलह के पूर्व विधायक है जगजीवन पाल से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट पर कांग्रेस ने कड़ा संज्ञान लिया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि देवभूमि में लगातार अत्याचार हो रहे हैं। शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि भाजपा के गुंडा तत्वों ने सुलह में पूर्व विधायक पर हमला किया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता व कार्यकर्ता सत्ता के नशे में चूर होकर देवभूमि को यूपी, बिहार और बंगाल न बना दे। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक शांतिपूर्ण ढंग से जहां पंचायत भवन का शिलान्यास होना था, वहां ना होने के चलते इसका विरोध जता रहे थे, लेकिन इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। डॉक्टर राजेश ने कहा कि पहले भाजपा को साधु संतों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे ये कहना गलत ना होगा कि भाजपा गुंडा तत्वों की पार्टी बनकर रह गई है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पूर्व विधायक से बात कर चुके हैं तथा उन्होंने FIR दर्ज करवाने की बात की है। उन्होंने कहा कि सुलह की घटना ने दर्शा दिया है कि भाजपा राज में कोई सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि हिमाचल को किसी भी सूरत में बिहार नहीं बनने दिया जाएगा। आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आज भाजपा के चरित्र पे हमारा आक्षेप था कि आज सुलह विधानसभा क्षेत्र में हमारे पूर्व विधायक के साथ जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ मारपीट हुई है और धक्का मुक्की हुई है, जो एक लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। तो आज जो बीच भी बोलती है कि ये हम एक परसेप्शन लेकर चलते थे BJP साधु संतों की आदमी है, पार्टी है, शरीफ आदमी की पार्टी है, अब तो गुंडों की पार्टी में तब्दील होती जा रही है, वो हमें देखने को हिमाचल में हमें सदमा इसलिए लगा, हिमाचल एक बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है, हम ऐसी हरकतें इधर उम्मीद नहीं करते, क्योंकि BJP की ये हरकतें करना आम बात है। ऐसी हरकतें अभी वो बंगाल के इलेक्शन में कर चुके हैं, हर हथकंडे का अपना चुके हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से आज सचेत करना चाहता हूं कि 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं, BJP की ये हरकतें कहीं बढ़ती ना जाएं और प्रदेश में गुंडा राज बढ़ता ना जाए। तो जो आज हुआ है बड़ा दुखदायी है, निंदनीय है, और ऐसा दोबारा से ना हो तो आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ।